इकाई 18 प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण विषय प्रवेश। बालक भाषा सीखने से पूर्व बोलना सीखता है। वह बोलकर वार्तालाप करता है। वार्तालाप के बिना ना कोई भाषा सीखी जा सकती है ना सिखाई जा सकती है। हिंदी भारत की संपर्क भाषा है। इसमें बोलना बातचीत करना भाषा शिक्षण की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। अतः भाषा शिक्षा का प्रारंभ बोलने या मौखिक शिक्षा से होना चाहिए। मौखिक शिक्षा के दो रूप है। 1. अध्यापक और बालक सीधे ही किसी भाषा में बोलकर बातचीत करते हैं। इस प्रकार वे ध्वनि प्रतीकों की मदद से एक दूसरे के भावों को ग्रहण करते हैं। 2. बालक और अध्यापक के मध्य पाठ्यपुस्तक रहती है, अर्थात लिखित भाषा को ध्वनि में बदला जाता है। इसे ही वाचन कहा गया है। कहानी, संभाषण, रीति, प्रसंग कथन आदि का प्रयोग भी मौखिक भाषा के सफल बनाने के लिए किया जाता है। इन सब बातों का वर्णन आगे किया जाएगा। ध्वनि और भाव का प्रत्यक्ष संबंध। हिंदी में बोलने की शिक्षण मौखिक रूप से होता है। शिक्षक बोलता है और बालक सुनकर भावार्थ ग्रहण करता है। यहाँ ध्वनि और भाव के संबंध बड़ा निकट का है। जब भाषा के उच्चरित रूप में हिंदी में बोलते हैं तो कुछ विशेष प्रकार की ध्वनियों का सृजन होता है। ये ध्वनियाँ दो प्रकार की होती है। 1. अक्षरों का उच्चारण करने से पैदा होने वाली। इनका वर्गीकरण मुखांगों के आधार पर किया जाता है। 2. वाक्यों को बोलने में स्वर के आरोह और अवरोह से उत्पन्न होने वाली। इसमें 1. स्वर को ऊंचा या नीचा किया जाता है। 2. किसी ध्वनि पर बल दिया जाता है। इन सभी प्रकार की ध्वनियों की सहायता से आंकों को प्रकट करने में मदद मिलता है। ध्वनि और भाव का संबंध बड़ा निकट का है। व्यक्ति अपनी मानसिक शक्ति के द्वारा, जिसमें ज्ञानेन्द्रियम सहायक होता है, किसी भाव की अनुभूति को धारणा करता है। उदाहरण स्वरूप मन में भाव उठता है, मैं मिठाई खाऊंगा। इस भाव का केंद्र मिठाई है। मिठाई हमारे सामने मौजूद नहीं, परंतु उसका प्रत्यय मन में होने के कारण महसूस करते हैं। मुझे मिठाई की जरूरत है और मैं उसे लूंगा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि विचार करते समय हमारे मन में कई के विभिन्न पदार्थों का धारणा सुप्तावस्था में रहती है। उचित समय पर उसे जागृत किया जा सकता है। अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए ध्वनि प्रतीकों का आश्रय लेना पड़ता है। मिठाई के प्रतीक के लिए ओष्ठ, नासिका, मूर्धा और तालु में निकली ध्वनियों का संबंध मिठाई से जुड़ता है। इन ध्वनियों के मेल या जोड़ को शब्द कहते हैं। जब ध्वनि पैदा होती है तो श्रोता समझाता है कि ध्वनि पैदा करने वाला मिठाई के संबंध में कुछ कह रहा है, यही बोलना है और इसे ही भाषा कहा जाता है। जब व्यक्ति अपने भावों को ध्वनि के द्वारा बालकों के रूप में प्रकट करता है तो श्रोताओं और बोलने वालों के मध्य आदान प्रदान होता है। वाक्य में जिस शब्द पर बल दिया जाता है, श्रोता उसी रूप में उसे धारण करता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि श्रद्धा और वाक्य विचार प्रकट करने में सहायक होता है। बिना ध्वनि के भाव या विचार प्रकट नहीं होते, इसलिए इन दोनों में बड़ा गहरा संबंध है। बोलना और पढ़ना। भाषा के प्रकटीकरण के दो रूप है, एक बोलना, दो पढ़ना। बोलने से तात्पर्य है बातचीत या वार्तालाप। लिखित सामग्री को ध्वनि रूप देना पढ़ना कहलाता है। पढ़ना दो प्रकार का है, एक मन में पढ़ना, दो बोलकर पढ़ना। बोलना व्यक्ति का आवश्यक गुण है, इसे वह अपने परिवार में अर्जित करता है। बोलना और पढ़ना, इन दोनों में बालक को पहले बोलना सिखाया जाए और बाद में पढ़ना
बोलना, इसका संबंध उच्चरित भाषा से है। पढ़ना, इसका संबंध लिखित भाषा के साथ है। बोलना कुछ आवश्यक बातें, इस संबंध में ये बातें कही जा सकती है। भाषा की दृष्टि से बोलना एक साधन है, इसके द्वारा बालक अपनी आवश्यकताएं पूरी करता है। इसलिए हिंदी सीखने वालों को ऐसे हिंदी शब्द सिखाने चाहिए जिनका प्रयोग वे अपने दैनिक जीवन में कर सके। शुरू शुरू में हिंदी उच्चारण और स्वरागत पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि बालक का उच्चारण शुद्ध हो। प्राथमिक कक्षा से ही बालक को बोलने के शिष्टाचार से परिचय करना चाहिए, अर्थात अपने से बड़ों के साथ कैसे बोला जाए, बराबर वालों के साथ कैसे बोला जाए, अपने से छोटे के साथ कैसे बोला जाए। प्रारंभ से ही छोटे छोटे बालकों की सीधे और सरल वाक्यों की रचना के करने की शिक्षा देनी चाहिए। वाक्य छोटे परंतु अर्थपूर्ण हो, तथा यह क्या है, यह पुस्तक है, तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम गोपाल है। हिंदी की सामाजिक उपयोगिता का बोध कराने के लिए हिंदी सिखाने वालों को वार्तालाप करना सिखाना चाहिए। बोलते समय कैसे अभिनय किया जाए, कैसे अंग संचालन किया जाए, हाव भाव कैसा हो, स्वरों का आरोह अवरोह कैसा हो, यह सब सिखाना अति आवश्यक है। आवृत्ति की उपयोगिता, आवृत्ति से तात्पर्य है बार बार करना, बार बार दोहराना। छोटे बालक आवृत्ति की सहायता से भाषा जल्दी सीखते हैं। कोई भी कठिन कार्य बार बार किया जाए तो वह सरल हो जाता है, उसमें निपुणता आ जाती है। चाहे कला की शिक्षा हो चाहे तकनीकी शिक्षा, उसे बार बार करना आवश्यक है। तांडुडाइक एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुआ है, उसने सीखने के 3 नियमों का उल्लेख किया है। इनमें से एक अभ्यास और आवृत्ति का नियम भी है। आवृत्ति की उपयोगिता को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। आवृत्ति से बोलने में कुशलता आती है, इससे बोलना प्रवाह पूर्ण हो जाता है। दोहराने से बालक का शब्द ज्ञान सक्रिय हो जाता है, इससे बालक के बोलने में शुद्धता और स्पष्टता आती है। आवृत्ति से बालक पढ़ते समय तथा बोलते समय ध्वनि का उतार चढ़ाव तथा स्वरागत ठीक प्रकार से करता है, इससे छात्रों में आत्मविश्वास की वृद्धि आती है। दोहराने से वाक्यों की रचना अर्थपूर्ण बनाने में मदद मिलती है, इससे बालक की कई त्रुटियां दूर हो जाती है, यथा हिचकिचाहट, लज्जा, भय, अशुद्ध उच्चारण आदि। आवृत्ति का अभ्यास और अध्यापक, बालकों को आवृत्ति का अभ्यास कराते समय अध्यापक को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आवृत्ति की क्रिया सरल, सरस और सरल होनी चाहिए। छात्र छात्राओं की बुद्धिलब्धि को ध्यान में रखकर आवृत्तियों की संख्या कम या अधिक होनी चाहिए। जिन शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति की जाती है उनका प्रयोग प्रसंगों में करना चाहिए। इसका प्रयोग उचित समय पर किया जाए। इसका प्रयोग इस प्रकार से किया जाए कि वाक्य की स्वाभाविकता बनी रहे। आवृत्ति या दोहराने की क्रिया यांत्रिक नहीं होनी चाहिए। आवृत्ति के पश्चात बालकों को स्वतंत्र रूप से बोलने का अवसर प्रदान करना चाहिए। सरल से कठिन की ओर सूत्र को अपनाया जाए। सरल भाषा से तात्पर्य है ऐसी भाषा जिसका प्रयोग दैनिक जीवन में सहायता से किया जा सके। अहिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी का शिक्षण देते समय प्राथमिक कक्षाओं में सरल भाषा में बोलना सीखना चाहिए। बोलने में जटिलता हो भाषा स्वाभाविक हो जाती है। सरल भाषा में शब्दों और वाक्य सीधे सादे सरल और संक्षिप्त होते हैं। भाषा संबंधी सरलता 2 बातों पर निर्भर करती है, 1 शब्द संबंधी सरलता, 2 वाक्य संबंधी सरलता। जिन शब्दों का प्रयोग दैनिक जीवन में होता है उन्हें सरल कहा जा सकता है। शब्द की सरलता के साथ उच्चारण भी सरल होना चाहिए। यदि तत्सम शब्द का प्रयोग उनकी मातृभाषा में होता है तभी उनका प्रयोग किया जाए, अन्यथा बोलचाल में तद्भव शब्दों का उपयोग ही तर्कसंगत होगा। बोलचाल में शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं
प्राथमिक कक्षाओं में वाक्य सरल होना चाहिए। कर्ता, कर्म और क्रिया से युक्त वाक्य सरल होते हैं। सरल वाक्यों में शब्दों की संख्या सीमित होती है। यथा, जाओ, खड़े हो जाओ, दूध पीवो, तुम्हारा नाम क्या है। हिंदी सीखने में मातृभाषा का प्रयोग कम से कम कैसे हो, इस बात का प्रयास करना चाहिए कि हिंदी भाषा सीखते समय मातृभाषा का प्रयोग कम से कम हो। जब कोई व्यक्ति दो भाषाएं सीखता है तो उसके मन में दो केंद्र होते हैं। इनमें मातृभाषा का केंद्र सरल होता है, क्योंकि मातृभाषा की ओर प्रवृत्ति सहज ही होती है और बालक उसमें अधिक निपुण होता है। जहाँ मातृभाषा के बिना काम ना चल सके, ऐसे अपवाद की स्थिति को छोड़कर यथासंभव मातृभाषा का प्रयोग टालना चाहिए। इस दृष्टि से मूर्त से अमूर्त का सूत्र बड़ा उपयोगी है। मूर्त से तात्पर्य है एक, जिसे हम देख सकते हैं, दो, जिसे हम छू सकते हैं, तीन, जिसका आकार होता है। अर्थात स्थूल वस्तुओं का उपयोग किया जाए, अमूर्त वस्तु वे है जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने नहीं होती। हिंदी बोलना सीखने में पहले मूर्त या स्थूल वस्तुओं का सहारा लिया जाए, जब बोलना आ जाए तब अमूर्त का प्रयोग किया जाए। मूर्त पदार्थों में ये पदार्थ आ जाते हैं। एक प्रत्यक्ष वस्तु ये जिनका रूप, रंग, आकार, लंबाई, चौड़ाई आदि हो। दो, चित्र। थ्री, प्रारूप, मॉडल आदि। इन्हें दिखाकर इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इनसे प्राप्त ज्ञान बालकों में स्थायी बन जाता है। स्वभाषण और संवाद की उपयोगिता। हिंदी भाषा प्रदेशों में बालकों के लिए हिंदी नई भाषा है, इसलिए संभाषण के द्वारा सीखना अत्यंत परिणाम कारक है। इससे हिंदी भाषा में आदान प्रदान किया जाता है। यह मनोविज्ञान और आधुनिक शिक्षा शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित है। संभाषण में श्रवण होता है, अर्धग्रहण होता है और अनुकरण होता है। इससे वार्तालाप में रुचि पैदा होती है। प्रवाह के साथ बोलना संभाषण संवाद की मदद से सीखा जा सकता है। संवाद और संभाषण में कुछ अंतर होता है। संवाद में संभाषण की अपेक्षा नाटकीय तत्व अधिक होता है। प्राथमिक कक्षाओं में संवाद का उपयोग अभिनय के लिए भी किया जा सकता है। छोटे छोटे संवाद हिंदी शिक्षण को रोचक बना देता है, जैसे शहर और गांव में संवाद, नदी और समुद्र में संवाद। हिंदी वार्तालाप में इनका उपयोग किया जा सकता है। प्रारंभ में संवादों की भाषा सरल और सरस होनी चाहिए। संवादों के माध्यम से हास्य, व्यंग्य और वक्रोक्ति आदि का उपयोग सिखाया जाता है। संभाषण और संवाद के समय एक, अध्यापक को भाषा की शुद्धता की ओर ध्यान देना चाहिए। दो, बोलते समय छात्रों को रोकना नहीं चाहिए। भाषा सिखाने में कहानी, कहने की उपयोगिता। भारतीय साहित्य में कहानी के स्थान पर गल्प, गाथा, कथा, कथानक, उपाख्यान, आख्यायिका आदि शब्दों का भी प्रयोग होता है। चार्ल्स ब्रेट ने कहा है, कहानी एक छोटी वर्णनात्मक गद्य रचना है। इसमें वास्तविक जीवन को कलात्मक ढंग से पेश किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति देर तक पढ़ता रहे या भाषण सुनता रहे तो ऊब जाता है, परंतु कहानी सुनते समय वह कभी नहीं ऊबता, उल्टा और आनंदित होता है, मन लगा कर सुनता है। छोटे बालकों को पशु पक्षियों और अप्सरसों की कहानियां अच्छी लगती है। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षण के दृढ़ करने के लिए बालकों को कहानी सुनानी चाहिए।